नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव शर्मा। जो लोग मुझे जानते नहीं, मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं करीबन 4 दशकों से पत्रकारिता में हूँ। 7 मेरी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मसलों के ऊपर है या आतंकवाद के मसलों पर है। और मैं देश विदेश के पत्र पत्रिकाओं में बराबर छपता रहा हूँ, मेरे इंटरव्यू चलते रहे। तो मैं अपना गुणगान करने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये वीडियो एक स्पेशल वीडियो है। ये इस वीडियो में एक खास बात है क्योंकि आपकी बात है आपकी जेब की, बात है आपके वित्तीय सुरक्षा की, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो दोस्तों, आज के वीडियो का दायरा बहुत संकुचित है, सिर्फ दिल्ली है, मात्र दिल्ली। दिल्ली में भी और संकुचित करता हूं। सिर्फ उद्योग कर्मियों के ऊपर है, लेकिन अब आप को मैं आंकड़े रखता हूं आपके सामने, आपकी आंखें चौड़ी हो जाएंगी। जब मैं पहले आपको सब्जेक्ट बताऊंगा, विषय बताऊंगा, सब्जेक्ट यह है आज की वीडियो का कि दिल्ली में उद्योग कर्मियों के ऊपर पड़ी मार, बिजली के बिल से हुआ बेहाल, यह है सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट ये है कि दिल्ली सरकार को चाहिए कि वो जल्द से जल्द जो फिक्स चार्ज उन्होंने उद्योग कर्मियों के बिजली के बिलों पर लगाए हैं उसको वापस लें। ये है आज के वीडियो का लॉन्ग एंड शॉर्ट, सम एंड सब्सटेंस, सार। तो दोस्तों, दिल्ली में 3 लाख छोटे मझोले उद्योग काम कर रहे हैं, पनप रहे हैं। इन्हें इकोनॉमिक्स की भाषा में या राजनीति की भाषा में या पत्रकारिता की भाषा में MSMEs कहा जाता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, एंटरप्राइजेस। लेकिन ये जो 3 लाख यूनिट्स हैं लघु उद्योग के, इसमें 20 लाख लोग आधारित हैं, उनका जीवन आधारित है। अब हुआ क्या है कि पिछले कुछ दिनों से इन उद्योग कर्मियों के ऊपर एक नई कोरोना वायरस, छोड़ो लॉकडाउन तो छोड़ो, प्रोडक्टिविटी जीरो हो गई वो भी छोड़ो, लेकिन सिर मुड़ाए ओले पड़ने वाली बात, कुछ दिन पहले से इनके पास मोटे मोटे बिजली के बिल आने शुरू हो गए। बहुत लोगों ने तो अदा भी कर दी, जैसे नरेंद्र सिंह चावला, रानीबाग व्यापार महासंघ के अध्यक्ष, चेयरमैन नरेंद्र सिंह चावला, पंजाबी जायका उनका एक रेस्टोरेंट है रानीबाग में, मेदा पार्क में, और वो कहते हैं कि भाई 70 किलोवाट का उनका बिजली का बिल, इनका उनका कैपेसिटी है, और उनका बिल आया 45,000 का। लॉकडाउन के दौरान ना तो पंखा चला ना बिजली चली, सेल तो क्या जीरो थी, बिजली का बिल किस लिए? क्योंकि फिक्स चार्ज है, किलोवाट के हिसाब से होता है, पर किलोवाट शायद, अगर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, शायद वो 250 रुपये पर किलोवाट होता है। और लेकिन वो किलोवाटेज के बाद बाद थोड़ा स्टेज के बाद फेज के बाद वो बढ़ता रहता है और काफ़ी बढ़ता है। तो सरदार नरेंद्र सिंह चावला का बिल आया भाई साहब
70 किलोवाट के ऊपर 45,000 रुपए का, जो उन्होंने पे भी कर दिया। अब लघु भारतीय उद्योग के जनरल सेक्रेटरी, एक नेशनल बॉडी है, लघु भारतीय उद्योग के जनरल सेक्रेटरी अनिल गड़का ये कह रहा है कि भाई आप कम से कम, प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि भाई आप सबको रोजगार भी दो, और रोजगार जिनके पास नहीं भी है आपके जो कामगार है उनको वेतन जरूर दो। अरे वेतन भी देंगे, सब कुछ देंगे, तो अरे हमें तो कुछ दो, हमारा ना कोई प्रोडक्शन है ना कुछ है, तो कुछ तो हमारी बात करो। अनिल गर्ग का ये कहना कि ये कहानी सारी दिल्ली की नहीं पूरी इंडिया की है। अब एक और उद्योग करने को ले कहता हूं, अनिल जिंदल पिछले करीबन 4 दशकों से कार्यरत है और वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया नॉर्थ दिल्ली में, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में ये कार्यरत है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, होंगे कोई 100 के करीब इनके मातहत होंगे, एम्प्लॉयज होंगे। लेकिन वही कहानी कि जब भाई फैक्ट्री खोली नहीं, कामगार आए नहीं, काम हुआ नहीं, प्रोडक्शन हुआ नहीं, तो बिजली का बिल क्यों थोपा जा रहा है, ये फिक्स चार्जेस वाली पॉलिसी क्यों नहीं खत्म करे, कहते हैं अनिल जिंदल। ठीक कहते हैं। और अनिल जिंदल उसके बाद एक बात उसको और आगे बढ़ाते हैं, वो कहते हैं कि ये काफ़ी नहीं है कि आप दिल्ली पे पॉलिसी लें, काफ़ी ये होगा कि आप इंडिया की पॉलिसी लें, यानी कि पूरे राष्ट्र की पॉलिसी लें। अब दोस्तों मैं आखिरी पड़ाव पे आता हूं इसके, अब मैं वापस आता हूं अलीगढ़ के ऊपर, जो लघु भारतीय उद्योग के जनरल सेक्रेटरी ने जैसे बताया आपको, उन्होंने एक बात काफ़ी जोर दे के कही कि भाई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अभी डिस्कॉम्स को, पावर डिस्कॉम्स को पैकेज दिया है 90,000 करोड़ का, उनको रिलीफ दिया है। अरे तो वो रिलीफ पास ऑन तो करे, अगर 90,000 करोड़ का नेशन वाइड एक रिलीफ दिया है तो दिल्ली के भी हिस्से में कुछ करोड़ आए होंगे, कुछ 1,000 करोड़ आए होंगे, उस 1,000 करोड़ों में से अगर आप दिल्ली सरकार उनको पास ऑन तो करें। अब ये एक पेज पे पेज है, दिल्ली जो दिल्ली की जो उद्योग जनता है वो दिल्ली सरकार पे आधारित है, केंद्रित है, दिल्ली सरकार केंद्र सरकार पे केंद्रित है, केंद्र सरकार ने एक लॉ बनाया हुआ है, एक कानून बनाया हुआ है। तो केजरीवाल सरकार इस बात से पल्ला नहीं झाड़ सकती अपना ये कह करके कि ये केंद्र की पॉलिसी है, केजरीवाल सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द 31 मई से पहले, मैं कहूँगा 31 मई से पहले, जिससे कि लोगों में शंकाएं ना हो, लोगों में संदेह ना हो, लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, 31 मई से पहले केजरीवाल सरकार को ये चाहिए, केंद्र सरकार से कुछ हो आए ना आए, कुछ हो ना हो, भाई साहब आपको जो 90,000 करोड़ का कुछ हिस्सा तो है ना, आपको जो निर्मला सीतारमन ने आपको दिया है पावर डिस्कॉम्स को, तो उसी के आधार पर आप फिक्स चार्ज पॉलिसी केंद्र सरकार हटाए ना हटाए, आप हटाओ ना हटाओ, लेकिन कम से कम ये करें आप कि वो जो उद्योग कर्मियों को राहत देने के लिए जिन जो पिछले 2-3 महीने से जिनका, और अब 31 मई को 68 दिन हो जाएंगे, जिनका कोई काम ही नहीं हुआ, कोई रोजगार ही नहीं है, कोई आमदनी नहीं है, तो वो और उनको आपने प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि उनको वेतन भी दो, अरे तो उनके ऊपर कम से कम बिजली के बिल का बोझ तो मत लदाओ,
इसी बात को खत्म करते हुए धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मैं राजीव शर्मा आपसे विदा लेता हूँ।